हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो आपका एडमिशन का शेड्यूल था पहले वाला वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, क्योंकि जो आपके वेकेशंस है वो शेड्यूल जो है वो चेंज हुआ है, उसके कारण जो एडमिशन शेड्यूल है वो अब 5 जुलाई की बजाय जो है वो 30 जुलाई से ये स्टार्ट हो रही है। तो इसमें पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, कल ही ये नोटिफिकेशन आई है, रिवाइज नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप अपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं 30 से लेकर 8 जुलाई तक। और ये ध्यान रखें कि जिस कॉलेज में ऑनलाइन है वहाँ पर उस कॉलेज के जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे जो बड़े कॉलेज है, संजौली है, मंडी है, हमीरपुर है, चंबा है या कुल्लू है, जहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है वहाँ पे आप साइट को विजिट करते रहे और प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड करने के बाद जो है जब भी पोर्टल ओपन होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा कि आप किस तरह से जो अपने मोबाइल फ़ोन से एप्लीकेशन फॉर्म जो वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो उसमें कम मिस्टेक्स रहेंगी। कैफ़े वाले से करवाओगे तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि वो अपने अपना ही आईडी बना देते हैं, ईमेल आईडी जो अपनी डाल देते हैं या पासवर्ड अपना बना देते हैं, तो वो आपको याद रखना होता है, क्योंकि आपके जो भी आगे काम होगा, सब्जेक्ट चेंज होना है या आपके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाना है, जो भी होगा आने वाले समय में वो सारा का सारा काम वहीं से होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, उसके ऊपर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 8 जुलाई तक मतलब 8 दिनों का टाइम आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए मिलेगा। जिस कॉलेज में ऑफलाइन है वहाँ पर आप ऑफलाइन जाकर करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 8 जुलाई को होगी। बड़े कॉलेजों में मेरिट लिस्ट की दिक्कत रहती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा आते हैं, है ना। लेकिन छोटे कॉलेज में आपको जो सीट्स हैं वो मिल जाती है इजीली, जिसमें भी आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। 10 से लेकर 12 जुलाई तक 3 दिनों का समय रहेगा आपको फीस डिपॉजिट करवाने का। तो ये ध्यान रखें कि जो ऑनलाइन जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है वहाँ पर ऑनलाइन ही फीस सबमिट होगी, जिसने ऑफलाइन किया हुआ है वहाँ पर ऑफलाइन ही होगी। और हर एक कॉलेज का ये अपना रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सबमिट करें। फिर उसके बाद अगर मान लो किसी ने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है तो सेकंड मेरिट जारी होगी, तो दूसरा जो बाहर हो गया है उस सब्जेक्ट में मान लो, उसके फिर नंबर आ जाएगा। तो ये 12 जुलाई को जारी होगी। इसके बाद फिर इनको फीस डिपॉजिट करने का समय रहेगा 13 से लेकर 14 जुलाई तक, 2 दिनों का समय रहेगा। इसके बाद ओरिएंटेशन जो है फर्स्ट ईयर का 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक रहेगा। इसमें फिर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई सब्जेक्ट चेंज करना है, या जो जिसको जो सब्जेक्ट मिला है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये जो सारे का सारे जो ग्रीवेंसेज है आपके वो 15 से 17 जुलाई तक जो है वो आपका ये रहेगा ओरिएंटेशन। और इसमें आपको बताया भी जाएगा कि कोई जो है किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद रेगुलर टीचिंग जो है वो 18 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 31 मार्च 2024 तक की चलेगा सेशन जो है। इसमें बीच में वेकेशंस रहती है ना, वो शेड्यूल आपका रहता है January 1 से 5 फरवरी तक। इसके बाद जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव जो आपका रहेगा वो 1 अप्रैल से लेकर 23 मई तक रहेगा, लेकिन ये आगे पीछे हो सकता है, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स का रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि आपका जो है वो हिमाचली से लेकर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, कई बार स्टूडेंट्स करेक्टर सर्टिफिकेट का जो है वो फोटोकॉपी लगा देते हैं, तो वो ओरिजिनल लगता है ना। हिमाचली किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, एसटी है या दूसरे सर्टिफिकेट ओबीसी है वो लगेगा या नहीं लगेगा, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है, उसको आप देखिए। और दूसरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन डिसाइड करेंगे इन 3 सालों में, फर्स्ट ईयर में जो डिसाइड कर लेंगे वही आपके 3 साल चलेंगे, और वही आपका आने वाले समय में जो है वो करियर भी बनाएंगे। अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो आपको आगे फिर जॉब में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए भी वीडियो बना है, उसको मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा इन दोनों वीडियो का लिंक, उसको आप ध्यान से देखिए। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके करियर के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कमेंट में मैं आपकी क्वेरी को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।